तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीके पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जीके के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं और साथ में कुछ जवाब भी बताए हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए गाइज, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, वे क्या है जिसमें चार उंगलियां हैं और एक अंगूठा है पर जान बिल्कुल नहीं है? सही जवाब है दस्ताना। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा बैग है जो सिर्फ भीगने पर ही आपके काम आता है? सही जवाब है टी बैग। आपका अगला सवाल है, ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? सही जवाब है सपना। आपका अगला सवाल है, वे कौन सी चीज है जिसे मारने पर आग जलती भी है और बुझती भी है? सही जवाब है फूंक। आपका अगला सवाल है, वे क्या है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है और सिर्फ एक बार ही देख सकता है? सही जवाब है सोते हुए सपना। आपका अगला सवाल है, किस देश में सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं? सही जवाब है सीलैंड देश में। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद भी बाजार में नहीं बिकता है? सही जवाब है मेहनत का फल। आपका अगला सवाल है, किस जगह पर सूर्य हरा दिखाई देता है? सही जवाब है अंटार्कटिका में। आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो केवल बरसात का पानी ही पीता है? सही जवाब है चातक पक्षी। आपका अगला सवाल है, किसानों का देश किस देश को कहा जाता है? सही जवाब है फ्रांस देश को। आपका अगला सवाल है, वे क्या है जिसे खाते ही लोग लाल हो जाते हैं और पीते ही शांत हो जाते हैं? सही जवाब है गुस्सा। आपका अगला सवाल है, भारत में किस शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है? सही जवाब है कोलकाता पुलिस। आपका अगला सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है? सही जवाब है मगरमच्छ। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे महंगा फल किस देश में पाया जाता है? सही जवाब है जापान देश में। आपका अगला सवाल है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है?
सही जवाब है नील नदी। तो दोस्तों आपका आज का सवाल है, दो सेब को बिना काटे तोड़े तीन लोगों में कैसे बांटें? सही जवाब है सेब का शेक बनाकर।